बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे अवर लैब नंबर 5, स्टेट स्पेस मॉडलिंग ऑफ सिस्टम यूजिंग मैटलैब सिमुलिंक। के हम सिमुलिंक और मैटलैब को यूज़ करते हुए स्टेट स्पेस मॉडलिंग कैसे करेंगे। स्टेट स्पेस मॉडलिंग जो हमारे पास टाइम डोमेन में होती है, इससे पहले हमने फ्रिक्वेंसी डोमेन किया था, उसमें ट्रांसफर फंक्शन हम फाइंड करते थे एंड एस डोमेन में चले जाते थे फ्रिक्वेंसी डोमेन में। वहाँ पर ये था कि हमारे पास सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट होता था, कि एक इनपुट है और एक आउटपुट का ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास आ जाता था। तो जब हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स हों तो हम फिर स्टेट स्पेस से करते हैं। जो मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक्स हैं वो सारी जो हैं बेस कर रही हैं स्टेट स्पेस मॉडलिंग पे, क्योंकि इसमें मल्टीपल इनपुट्स हैं, मल्टीपल आउटपुट्स हैं। फ्रिक्वेंसी डोमेन में हम इनिशियल कंडीशंस को जीरो कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्टेट स्पेस मॉडलिंग में हम इनिशियल कंडीशंस को भी टैकल कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला सिस्टम है वो ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, जो सबके पास सबने देखा होगा। लैब 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये वही इलेक्ट्रिकल सिस्टम। आपके पास इंडक्टर है, रेजिस्टर है, कैपेसिटर है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो चेंजेस आ रही हैं इंडक्टर करंट, जो करंट है इंडक्टर का उसमें आ रही है, और कैपेसिटर के जो वोल्टेज है वो चेंज हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम आ गया। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। स्टेट स्पेस मॉडलिंग में हमारे पास ये स्टेट स्पेस मॉडल में एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, ये हमारे पास क्या है कि स्टेट स्पेस मॉडल है। आपको हमारे पास ए एक्स प्लस डी यू वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। सबसे पहले हम हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है इसके हम इक्वेशन लिखते हैं, एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर आई प्लस वी सी इज इक्वल टू वी टी। हमें वी सी आउटपुट भी चाहिए, हम देख सकते हैं। तो अब हमारे पास जो चीज़ चेंज हो रही है, आई इज इक्वल टू सी डी वी सी बाई डी टी, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज करंट चेंज हो रहा है। किस रिस्पेक्ट से? जो वोल्टेज चेंज हो रही है उसके हिसाब से। तो इस क्वेश्चन को अगर हम डी वी सी बाई डी टी कर दें तो हमारे पास आई ओवर सी रह जाता है। इसी तरह अगर हम ये क्वेश्चन 1 को देखें, हमारे पास जो चेंज हो रहा है डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल आई माइनस वी सी डिवाइड बाई एल, ये पूरी क्वेश्चन उसी तरह हमारे पास ये दो आ जाती हैं। दो हमारे पास स्टेट्स हैं, एक कौन सी है, वी सी है और एक आई। हमारे पास जितना डेरीवेटिव सेकेंड ऑर्डर का होगा तो हमारे पास स्टेट्स उसकी एक डेरीवेटिव कम करके उसकी स्टेट्स आएंगे। अगर टू सेकेंड डेरीवेटिव है हमारे पास स्टेट आएगी, एक ओरिजिनल और एक उसका डेरिवेटिव। अगर हमारे पास थर्ड ऑर्डर सिस्टम है तो उसमें हमारे पास 3 स्टेट्स आ जाएंगे, एक ओरिजिनल सिस्टम, उसका डेरिवेटिव, फिर उसका सेकेंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास 2 स्टेट्स आती हैं। स्टेट्स कौन सी है? स्टेट 1 वी सी, क्योंकि हमारे पास इसके बाद एक ही डेरीवेटिव है। इस तरह हमारे पास करंट है, उसका एक स्टेट आएगी करंट, क्योंकि इसकी जो हाइएस्ट डेरीवेटिव है वो 1 ही है। तो मैं एक स्टेट स्पेस वेक्टर स्टेट वेक्टर लिख देता हूँ एक्स, मेरे पास क्या है वो वी सी आई। अगर हम स्टेट स्पेस मॉडल को देखें हमारे पास जो है इसमें एक्स डॉट है कि जो हमारे पास स्टेट्स आ रही हैं उनका डेरिवेटिव इज इक्वल टू ए स्टेट मैट्रिक्स एक्स इन जो हमारे पास स्टेट्स हैं उनका जो है एक्स जो हमारे पास स्टेट्स हैं वो हैं प्लस बी यू, बी जो इनपुट मैट्रिक्स है और यू क्या है इनपुट्स हैं, वाई हमारे पास आउटपुट है उसमें सी आउटपुट मैट्रिक्स है एक्स इनपुट्स हैं, डी हमारे पास जो इनपुट और आउटपुट का डायरेक्ट रिलेशन है उसके रिस्पेक्ट से ये वाले हम यूज़ करते हैं। तो अब हमारे पास वी सी इज इक्वल टू आई, वी सी हमारे एक्स जो हमारे पास वी सी और आई है, अगर हम इसका हमें डेरिवेटिव भी चाहिए, यहाँ पे देखें एक्स भी चाहिए और एक्स का डेरिवेटिव भी चाहिए। तो एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या बन जाता है वी सी, अगर हम इसको डेरिवेट करें एक्स को तो ये क्या बन जाएगा वी सी का डेरिवेटिव और आई का डेरिवेटिव। तो अगर हम यहाँ पे देख लें ये एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास वी सी का डेरिवेटिव आ गया और आई का डेरिवेटिव आई, तो हमारे पास वी सी क्या बन जाता था आई सी, ये वी सी डेरिवेटिव आप देख सकते हैं कि क्या था यहाँ से आई ओवर सी, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। और करंट का डेरिवेटिव क्या बन रहा था आर बाई एल, ये सारी क्वेश्चन बन रही थी। तो मेरे पास ये सारी क्वेश्चन बन गई। अब हमने इस मैटलैब को रिप्रेजेंट करना कैसे करेंगे, अब ये देखिए एक्स डॉट
एक्स डॉट है, मेरे पास क्या आ जाएगा बी सी डॉट आई डैश जो भी है डॉट, ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ए मैट्रिक्स कैसे बनी है, अब हम देखेंगे कि बी सी डेरिवेटिव से का बी सी के साथ क्या रिलेशन बन रहा है हमारे पास इन इक्वेशन में। तो बी सी डेरिवेटिव का बी सी के साथ अभी ये देखें, बी सी डेरिवेटिव यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो करंट के साथ रिलेशन बन रहा है कि बी सी किसके इक्वल है, वन ओवर सी टाइम्स आई के इक्वल है, लेकिन वी के इक्वल नहीं है तो हमने क्या कर दिया जीरो लिख पुट कर दिया। अब वी सी डेरिवेटिव का जो करंट के साथ रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है वन ओवर सी का, तो ये वन ओवर सी हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह फिर हमारे पास ये करंट का डेरिवेटिव जो है उसका वी सी के साथ क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे देखें ये आई करंट है और उसका वी सी के साथ हमारे पास क्या रिलेशन है माइनस वन ओवर एल का रिलेशन है, तो हमने माइनस वन ओवर एल लिख दिया। और आई डेरिवेटिव का जो है आई के साथ क्या रिलेशन है माइनस आर बाय एल, हमारे पास ये माइनस आर बाय एल ये आ जाएगा। अब प्लस बी यू, अब बी हमारे पास क्या है इनपुट वेक्टर है आपके पास, तो ये वी टी क्या है यू आपके पास इनपुट है, तो हमने हमारे पास इनपुट क्या है वी टी, ये जो हमारे पास कैपेसिटर है ये कैपेसिटर नहीं, ये हमारे पास इनपुट जो है ये वी टी है। हमारे पास इनपुट का इनके साथ क्या रिलेशन है वी सी का, यहाँ पे देखें कोई रिलेशन है नहीं है तो हमने क्या जीरो पुट कर दिया। आई के साथ क्या रिलेशन बन रहा है वन ओवर एल, तो हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पे वन ओवर एल। अब यहाँ पे आ जाए आउटपुट साइड पे, अगर आपको कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज चाहिए तो आपने जस्ट क्या करना है वन जीरो कर देना है, ठीक है। अगर आपको करंट चाहिए तो फिर जीरो वन, अगर दोनों इनपुट चाहिए आउटपुट चाहिए तो आपने क्या करना है वन जीरो और जीरो वन। और यहाँ पे अगर देखें आप ये अगर आउटपुट है तो उसका इनपुट के साथ उसका रिलेशन कोई नहीं बन रहा क्योंकि बीच में इंडक्टर कैपेसिटर भी आ रहे हैं, डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा। तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे जो आउटपुट है यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन के लिए हमारे पास जीरो है। अगर हमने हमें सिर्फ वी सी चाहिए तो हम वन जीरो करेंगे, अगर हमें जस्ट आई चाहिए तो जीरो वन कर देंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। अब यहाँ पे डायमेंशन भी देख लें, याद रखिएगा कि डायमेंशन क्या होती हैं, एक ही डायमेंशन होती है एन बाई एन, एन हमारे पास स्टेट्स हैं। अगर हमारे पास दो स्टेट्स हैं यहाँ पे तो ये देखिए वी सी और आई दो स्टेट्स थी, हमारे पास ए मैट्रिक्स कितना बना टू क्रॉस टू का बन गया। एक्स हमारे पास क्या है एन क्रॉस वन होगा, ये देखें ये हमारे पास स्टेट्स होंगी और क्रॉस वन, अगर थ्री स्टेट्स हैं तो थ्री हो जाएंगी फोर फोर। अब बी हमारे पास इनपुट मैट्रिक्स है तो ये इसका क्या होगा एन क्रॉस आर, आर हमारे पास इनपुट्स हैं, आर हमारे पास अभी यहाँ पे क्या एक इनपुट है तो ये क्या बन जाएगा टू क्रॉस वन, टू रोज वन कॉलम। इसी तरह हमारे पास यू क्या बन जाता है वन क्रॉस वन है तो ये हमारे पास ये यू बन गया क्योंकि हमारे पास एक इनपुट है तो एक ही बनेगा। सी हमारे पास क्या है एम क्रॉस एन, अगर आपने दो आउटपुट्स देखनी है तो क्या बन जाएगा टू क्रॉस टू बन जाएगा, अगर हमारे पास एक ही आउटपुट हम देखना चाहते हैं तो हमारे पास वन क्रॉस टू बन जाएगा। तो अभी हम दोनों देख रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है टू क्रॉस टू बन रहा है। इसे हमारे पास डी क्या है एम इंटू आर, एम हमारे पास आउटपुट्स हैं, आउटपुट्स कितनी हैं हम देख रहे हैं दो देख रहे हैं, टू क्रॉस वन बन जाएगा, आर हमारे पास क्या है वन, तो ये हमारे पास उसके लिए रिलेशन है। अब इसको मैटलैब में कैसे करेंगे ये भी हम देख लेंगे।